विरोधाभास विचार में उनकी शक्ति सेल्शिपिर पढ़ना हुआ और उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। पुस्तक पढ़ने के साथ में अपने आप को सबूत भी देने हुए सर से कि जो चल रहा है वही सही है, उसके रीजंस क्या क्या है, वो जो हो रहा है उसमें ही मेरी ग्रोथ है। तो उसके जब रीजन देने हुए तो यानी वो पार्ट जो है वो काफी सॉल्व हो गया या हील हो गया। कि ये सबूत अगर कुछ सालों के बाद मिलते थे तो उस वक्त क्या होता था, तब तक मन हमारा कैसा हो जाता है, इसलिए इसको तुरंत सबूत मिल जाने चाहिए। क्योंकि हर एक को सबूत मिलते हैं ना जीवन में घटनाएं, बाद में बोलता है वो अच्छा हुआ, बाद में तो बोलते हैं, मगर उस बीच में मन को क्या ट्रेनिंग मिली शिकायत करने की, इल्जाम लगाने की, दुखी रहने की। तो इसलिए जल्दी इसको सबूत देकर जैसी ट्रेनिंग देनी है उसको वैसी देनी है, ताकि समय के बाद आप कहें कि अच्छी ट्रेनिंग हो गई क्योंकि हमने तुरंत सबूत दे दिया। 23 मतलब क्या है हम समझ पा रहे हैं। अब पहले रुकावटों पे अटकना होता था और अभी शिफ्टिंग ये मिली है कि मुझे जीवन को लक्ष्य देना है। पहले मैं सोचता था कि नहीं, जीवन मुझे बताएगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है। अच्छा है, ये सब प्रकाश में आ रही है, वरना कितने भी साल हो जाएंगे मन वही बातें बताते रहेगा, इसमें बाधा आ रही है, इसका अर्थ ऐसा है, मगर वो बाधा आने के साथ वॉच वेट विद वंडर पहले देखें, तुरंत फाइनल मत करो, कुछ समय दो उसके अंदर, वरना रुकावट आई और हमने अपना परफॉर्मेंस भी कम कर दिया, अपनी स्किल भी कम कर दी, फिर और काम बिगड़ गया, फिर मन कहेगा देखो सही कहा ना मैंने, डिवाइन प्लान के हिसाब से नहीं है। ये सबक इतना इम्पोर्टेंट है कि हर जगह लागू होता है, हर जगह आप थोड़ा रुकते हो, सामने वाले ने ऐसा कहा अर्थ निकालेगा मन, आप बोलेंगे कोई स्टैंपिंग नहीं करेंगे, थोड़ा समय देते, वॉच वेट विद वंडर। तो वही बात हर जगह है ना, देखोगे तो यही हैबिट जो काम में है वही घर पर है, वही रिश्तों में, वही पैसे के साथ है, वही प्रेम के साथ, हर जगह वही है। मतलब हर बात पर मन स्टैंपिंग कर रहा था और आप उस वक्त बोल नहीं पा रहे थे कि स्टैंपिंग नहीं करनी है। अगर ये उस वक्त बोल पाए, यही तो प्रैक्टिस का कमाल है। इन विचार आया, विचार को आप रोक नहीं सकते, विचार आ जाएगा, मगर आप कहेंगे पक्का है क्या तेरे को, चुप बैठ, स्टैंपिंग नहीं करनी है। तो ये अगर आप बोल पाए तो फिर थोड़े समय के बाद सबूत भी मिल जाते हैं कि वाकई कुछ था ही नहीं, यानी स्टैंपिंग करके जो हम अननेसेसरी दुख भोग रहे हैं, पहले उससे हमें मुक्त होना है, जो दिया ही नहीं गया दुख उससे मुक्त होना है, फिर जो दिया गया वो भी दुख है क्या उस पर आप खोज करोगे। पहले जो दिया ही नहीं गया उसको भुगतना मन करे, फिर जो दिया गया है ऐसा लगता है जो मन को ये तो दुख आया है और वो भी वो दुख है क्या, क्या वो उत्सव का कारण है। हाँ। मन ने मतलब निकाला है तो उस पर थोड़ा बातचीत करो उससे कि तुम्हें पक्का है क्या कि अब ये घटना हुई इसलिए होगा, इतने साल तक आपको ये विचार नहीं था, पूर्व अवस्था में जाकर देखो ये घटना हुई और ये विचार शुरू हो गया, तो खुद को बता पाओ कि कुछ दिन पहले नहीं था अब ये अचानक आ गया, तो पूर्वावस्था में जाकर समझे विचार नहीं आया होता आप कैसे रहते थे, तो वैसे अभी भी रह सकते हो ना, वो तो आपका जन्म से अधिकार है पूर्वावस्था में रहना तो खुद को अपना हक याद दिलाओ, तुरंत स्टैंपिंग करके जो दूसरा विचार आना चाहिए वो आज की तारीख में नहीं आ रहा है, इसलिए बातचीत हुई ताकि आगे से मन कुछ कहे आप तुरंत उसको बता पाओ कि पक्का नहीं है, और ये मतलब निकाल कर क्या होगा, इसका तेज मतलब क्या है, इस घटना का तेज मतलब निकालो, वरना कैसा स्टैंपिंग हुई तो अभी पकड़ना चाहते हैं, पजेसिव हो गए ना, वो सिर्फ स्टैंपिंग की वजह से हो रहा है, स्टैंपिंग नहीं हुई होती तो आप वैसे ही कर रहे होते और उल्टा जो करने योग्य आइडियाज कुछ है नहीं, अभी क्या किया जाए वो आपको सूझेगी, अभी नया वातावरण तैयार हुआ है उसमें अभी क्या बदलाहट लाई जाए, जीने की स्टाइल में, हमारे कुछ बातचीत में, सबसे बातचीत करके क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालोगे। हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें, तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें,
साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।